अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन को एंड बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए आया हूँ न्यू प्रोडक्ट। सो आज मैं आपको कंपेयर करेंगे थ्री जो है हमारे यूएसबी केबल्स को। सो तीनों ही सेम ब्रांड के हैं और पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी है बाय फ्लिपकार्ट। सो आज हम दो ऑलरेडी मैं यूज़ करता हूँ और ये जो है थर्ड वन मैंने ऑलरेडी न्यू मंगवाया है, ये भी बॉट ब्रांड का ही है। सो तीनों सेम लेंथ हैं बट डिफरेंट जो है मटेरियल के बनाए हुए हैं। सो कंपेयर करेंगे तीनों को, देखेंगे विच वन इज़ बेटर। सो अनबॉक्स करेंगे और साथ में मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन से जो है डिफरेंट केबल मेरे पास हैं अभी। सो एक जो है वो है बॉट का रगेड वन, उसकी जो MRP है वो 800 रुपये है बट वो आपको 250 रुपीज़ में अमेजन से मिल जाएगा। और ये जो मैंने बाई किया है ये भी आपको जो है 225 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। सो आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं उसका मॉडल नंबर है USB 150 बॉट। और जो मेरे पास दो और हैं वो जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक है रिजिड वन और सेकेंड वन है वो USB 500। सो तीनों के मैं मॉडल नंबर आपको बता चुका हूँ। ये है हमारा रजिड वन जो कि बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनाया हुआ है और जो सेकंड जो वन है वो USB 500 है ये वन। सो इसका भी मटेरियल अच्छा है बट ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है केबल जितना कि जो है रजिड वन है। सो बट ये भी अच्छी क्वालिटी का है दोनों ही, और तीनों ही जो ईयरफोन है आपको दो दो साल की वारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो इसमें है ये देखिए आप, बहुत ही कुछ अलग ही मटेरियल से बनाया हुआ है बट ये केबल जो है फोल्ड होता नहीं है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है, फोल्ड होता नहीं है जल्दी और ये जो है सर्कल में रहता है ऑलमोस्ट जो 500 है। बाकी जो क्वालिटी वाइज है ऑलमोस्ट सेम है और बाकी जो पिन है वहाँ पे भी बहुत ब्रांडिंग आपको। सो अभी मैं आपको जो है तीनों को कंपेयर कर लेते हैं और जो थर्ड वन हमने बाय किया है उसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं और आपको जो है तीनों की क्वालिटी बता दी है। और वीडियो के एंड में मैं जो है आपको रिकमेंडेशन दूंगा कौन सा आपको बाय करना चाहिए आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। सो थर्ड वन जो है ये भी अच्छा है और तीनों की मैं MRP बता देता हूँ। हालांकि जो तीनों हैं उनकी जो प्रिंटेड MRP है वो 800 रुपये है बट ये आपको 225 रुपये में मिल जाएगा और जो रिजिड वन है वो भी 250 रुपये तक मिल जाएगा और जो कि 500 है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, आपको 300 रुपीज़ तक मिल जाएगा। ऑफ़र में आप लेते हैं तो 250 तक भी मिल जाएगा। सो इनकी जो प्राइस रेंज है वो अराउंड 200 से लेके 300 के बीच में ही रहती है, तो फ्लैक्चुएट होती रहती है। जैसे आपको पता है फ्लिपकार्ट पे भी है, मैंने 224 रुपये में लिया था जो कि है USB 150। सो इसको हम आज अनबॉक्स करेंगे और इसकी जो क्वालिटी है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। सो वायर की जो लेंथ है तीनों की ऑलमोस्ट सेम है, 1.4 मीटर। सो तीनों की जो लेंथ है वो सेम है और 2 ईयर वारंटी आपको जो मिल जाएगी इसके साथ में। सो यहाँ पे मैं केबल कंपैरिजन कर लेता हूँ। पहले जो केबल कंपैरिजन है ये देख लीजिए आप, ऑलमोस्ट जो है थिकनेस में सेम है दोनों, जो रिजिड वन से मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का जो है मटेरियल मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको जो है मिल जाएगा जो इजीली टूटेगा नहीं, बिकॉज यहीं से जो हमारा केबल ज़्यादातर टूट जाता है। सो यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार बोर्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको। केबल की जो है मटेरियल मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है बट जो है वो आई थिंक ये क्लोथ वन है जो हम अनबॉक्स कर रहे हैं और जो वो वाला है वो जो है कुछ अलग मटेरियल का। और यहाँ पे जो है स्टील की कोडिंग की हुई है, जो USB 500 है यहाँ पे कुछ स्टील की कोडिंग की हुई है और यहाँ पे क्लोथ है। सो ये भी जल्दी टूटने में तो कोई भी टूटेगा नहीं हालांकि, बट क्वालिटी वाइज अगर मैं देखूँ तो मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा है वो USB 500 है कंपेयर टू रिजिड वन। और जो USB 500 से भी जो ज़्यादा अच्छा मुझे जो लग रहा है वो USB 500 है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप बाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस थोड़ा एक्सपेंसिव है USB 500 की तरफ जाइए, अगर उसके बाद अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप जो है रिजिड वन और 150 की तरफ। सो मेरा रिकमेंडेशन गाइज ये रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।